एनुअलम देश में महिलाओं को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है, जिसको लेकर हाल ही में एनुअलम द्वारा महिलाओं के लिए 2 दिवसीय आजीविका कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें करीब 150 स्वयं सहायता समूह की महिला मौजूद रहीं, जिनको एनुअलम द्वारा उनके काम आने वाली कई जरूरी बातें बताई गईं, और उन्हीं महिलाओं का जोश बढ़ाने के लिए नजफगढ़ SDM ऑफिस में एक कार्यक्रम रखा गया, जहां डिस्ट्रिक्ट द्वारका के DM हेमंत कुमार और दिल्ली सरकार के मंत्री श्री कैलाश गहलोत मौजूद रहे। उन्होंने वहां नजफगढ़ में बने 12 नए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से मिलकर उनसे बात करी और उनकी परेशानियां भी जानी। सेंट्रल ग्रुप में लगभग 20 के आसपास महिलाएं हो जाती हैं, तो लगभग 12x20 उतनी महिलाएं जो हैं, लगभग 200 के आसपास महिलाएं हमने जोड़ी हैं और उनको जागरूक किया है, उनको अवेयर किया है कि भाई आप घर में रह के या घर के आसपास रह के अपनी कोई एक्टिविटी कर सकते हैं, जिससे उनको इनकम हो, उनकी एक अपनी अलग पहचान बने, अपने पैरों पर खड़े हों और फैमिली को अपनी तरफ से भी वो सपोर्ट कर सके। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था और आगे उनको अलग अलग जो बिजनेस हाउसेज हैं या कॉरपोरेट्स हैं या फैक्ट्री या अलग एस्टेब्लिशमेंट, उनको जोड़ा। श्री कैलाश गहलोत द्वारा नजफगढ़ में नए स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए कार्यकारी सहायक दिल्ली सरकार मंथन आनंद की भी तारीफ करी, जिसमें उनका एनेक्टस ग्रुप से जुड़े दिल्ली के कई कॉलेजेस के छात्रों द्वारा उनका साथ दिया गया। हमने सबसे पहले यहाँ पे SHGs के बारे में बताया लोगों को, अपना बिजनेस आइडिया बताया, जैसे हमारा फायर होस का है, तो हमने क्या बोलते हैं इनको बताया कि इनको इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाने होंगे, तो फिर लोगों ने दिलचस्पी दिखाई तो हमने उनको बोला कि वो अपने ग्रुप बना लें 10-10 जनों के। ये ग्रुप बनने के बाद हमने उनसे क्या बोलते हैं उनके बैंक खाते खुलवाए और उनको क्या बोलते SDM ऑफिस में रजिस्टर करवाया। उसके बाद हम अब 10 SHGs यानी लगभग 100 लोगों का एक फेडरेशन बनाएंगे, एरिया लेवल फेडरेशन, जिसकी आज कुछ दिनों में आपको खबर मिल जाएगी। मंथन सर और कैलाश जी सर का बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमें ये चांस दिया कि हम SHG के साथ मिलके कुछ उनको भी रोज़गार का माध्यम दे सके। हम तरह तरह के नए आइडिया रोज़ ढूंढते हैं, सोचते हैं, फिर उनके सामने रखते हैं और अभी तक हम 2-3 ढूंढ चुके हैं और हमें पूरी पूरी आशा है कि उनको हमारे ज़रिए से वो जो रोज़गार ढूंढ रहे हैं मिलेगा। तो हम जब दिल्ली गवर्नमेंट के साथ जुड़े थे यहाँ पे नजफगढ़ में अपना काम और बढ़ाने, बेनिफिशरीज को एम्प्लॉयमेंट देने, तो एक यही उम्मीद थी कि हमारे जो B2B कनेक्शन हैं उनके हेल्प से हम यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट करेंगे बेनिफिशरीज का एंड उन्हें सिखाएंगे, जिससे वो आगे और बढ़े एंड अपना एक लाइवलीहुड अर्न कर सकें। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है। अलग अलग सीजनल कैंपेन्स हम चलाते हैं, होली, राखी, दिवाली के टाइम पर, जिसमें हम अलग अलग हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री द्वारा इन आम महिलाओं से मिलना और उनकी परेशानियों को जानना इन आम महिलाओं का हौसला बढ़ाता है और इन महिलाओं को एक नई उम्मीद देता है कुछ कर गुजरने की। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।